वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ कॉलेज के स्टूडेंट से, कुछ फ्रेशर्स से, कि वो कौन सी प्रॉब्लम है जो वो कॉलेज आके फेस करते हैं। हम अलग अलग कॉलेज जाएंगे, उनके बच्चों से बात करेंगे और फिर आपको बताएंगे वो कौन सी प्रॉब्लम है जो आप भी फेस करने वाले कॉलेज में आकर, पढ़ाई को लेके, फाइनेंसेस को लेके, पर्सनल ग्रोथ को लेके, हर तरह की प्रॉब्लम देखेंगे। चलिए आइए, लेके चलते हैं आपको, बात कराते हैं बच्चों से। फर्स्ट टेल मी योर नेम एंड ब्रांच। माई नेम इज़ राज पांडे और मैं सिविल सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। सो माई नेम इज़ श्रेया श्रीवास्तव एंड आई एम डूइंग BBA फ्रॉम IIMS। माई नेम इज़ हर्ष कुशवाहा, आई एम BCA स्टूडेंट। सो आई एम दीपक यादव एंड आई एम फ्रॉम CSE AI ब्रांच। माई नेम इज़ श्रेया सिंह एंड आई एम परस्यूइंग BBA फ्रॉम IIMS। श्रेयस पटेल एंड विच ब्रांच? सिविल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर। माई नेम इज़ शिवांगी एंड आई एम फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग। माई सेल्फ श्रद्धा सिंह एंड आई एम परस्यूइंग BBA फ्रॉम IIMS। माई नेम इज़ आकांक्षा कुमारी एंड ब्रांच? My branch is BTech CSE third year. My name is Alok Tiwari and branch is BTech Computer Science. मेरा नाम अभिषेक चौरसिया है और मेरी branch Computer Science and Engineering है। तुमने श्रेयस ऐसी कौन सी प्रॉब्लम जो कॉलेज आकर ही फेस की हैं, या तुम्हें उनके बारे में 12th तक पता नहीं था कि क्या ऐसी प्रॉब्लम भी एग्जिस्ट करती होंगी कॉलेज में, जो तुम पहली बार कॉलेज आए तुम्हें लगा अच्छा ये प्रॉब्लम भी है यार, खाना नहीं मिल रहा अच्छा, या फिर XYZ कोई भी प्रॉब्लम भी हो सकती है? पर्सनल प्रॉब्लम्स मेरे को सबसे पहले तो एक ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम, अगर देखा जाए फर्स्ट गेट से जो बच्चे आते हैं, तो जैसे मैं काफ़ी दूर से आता हूँ तो मेरा डिस्टेंस वाला बस हो जाता है। ऐसी कौन सी वो प्रॉब्लम्स थी जो तुम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं की थी 12th तक कि ये कॉलेज में आके तुम लोग फेस करोगे और वो अब तुम लोग फेस कर रहे हो? या बीइंग इंडिपेंडेंट एंड लिविंग ऑन योर ओन इन अ हॉस्टल इज क्वाइट डिफिकल्ट बिकॉज फ्रॉम टिल क्लास 12th वी हैव बीन लिविंग विद अवर पेरेंट्स, देयर आर सपोर्ट फ्रॉम अवर फैमिली, बट हियर वी हैव टू लिव अलोन एंड मैनेज ऑल द थिंग्स बाय अवर ओन। फैमिली से जो उतना मतलब डिस्टेंस हो गया है, लाइक समटाइम्स आई फील अलोन, मतलब रोना आ जाता है कभी कभी कि ऐसी लाइफ एकदम से चेंज हो गई। पहले क्या लगता था कि इतने मनी कैलकुलेशन की इतनी जरूरत नहीं रहती थी, यहाँ कोई एक छोटी चीज भी खरीदनी उसका भी हिसाब रखना पड़ता। सो द फर्स्ट थिंग इज फूड, हियर आई जस्ट मिस माय होम फूड, दैट इज हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं है। मेनली जैसे गर्मियों में, ये जून और जुलाई का जो मंथ चल रहा है उसमें मेनली सबको कूलर की जरूरत होती है, वॉशिंग मशीन नहीं है, हमको खुद से मेहनत इतनी करके कपड़े धुलने पड़ते हैं। हाँ, ये बड़ा फनी आंसर था जो मेरे एक दोस्त ने दिया था कि गर्ल्स रेशियो बड़ा कम है उनके कॉलेज में। ऑब्वियसली अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हैं तो वहाँ आप गर्ल्स का रेशियो बहुत कम मिलने वाला है। तो एक सजेशन कि अगर आप आए हैं अभी कॉलेज, अगर लड़की पटानी ना तो स्टार्टिंग में पटा लो।